भाई ये क्या है? मैं सारा यहाँ पे पोकेमोन पोकेमोन नहीं है। क्या है मेरे? दूसरे दिखा था। आपको नहीं पता ये क्या है? तू बताना फिर। ये एनिमल्स है। कौन से क्या की ये कौन से जंगलों में मिलते हैं? तो यार फाइनली चेकआउट कर रहे हैं यहाँ से। आज मेरा लास्ट दिन है, मतलब हमारा लास्ट दिन है, तो अभी चेकआउट करने। और मुकेश अभी बाहर गया हुआ था पूछने के लिए, क्योंकि हमें थोड़ा वहाँ रॉप वे में जाना था, तो अभी वो पूछने के लिए गया था, अभी बाथरूम जा रहा है। तो यार लास्ट का दिन सुबह से शाम तक तो सही रहा कल का, बट शाम होते होते मतलब यहाँ पे आके देखा कि मतलब यहाँ पे जो भी लोग आते हैं बाहर दिल्ली से हो या अदर स्टेट से, मतलब अपना पार्टी करो जो करना है करो, मगर हल्ला गल्ला मत काटो फालतू में। यहाँ पे और भी लोग रहते हैं जो यहाँ पे लोकल लोग से, तो उससे डिस्टर्ब होता है, और उसके बाद हंगामा करना, लड़ाई करना, ये सब। और मैं जब से आया हूँ पहले दिन से, मतलब हम तीनों जब से आए हैं, तो हमने ध्यान तो नहीं दिया, मतलब दिया था, मतलब हमने कहा चल छोड़, मैंने कहा चल जाते जाते बताऊँगा, अभी शुरू में आए तो क्या वही बताऊँ। तो ये पंखा देख रहे हो मेरे पीछे ऊपर, तो ये देखो इसकी हालत देखो कुछ कैसी कर गया, पंखड़े मुड़ गए। मतलब ये हमने नहीं करा, मतलब जो इससे पहले जो यहाँ पे रह रहे होंगे तो वो ऐसा करके गए थे। तो यार क्या इससे जाता है, मतलब इससे तो ये जाता है ना कि जो भी आ रहे हैं लोग बाग यहाँ पे, उनसे जितना पैसा मांगे उनसे लो, यहाँ से निकलवाएंगे यहाँ के लोग, उन्हें भी तो भाई ये देखना है ना। अब ऐसा नहीं कि उनकी प्रॉपर्टी में और उनकी प्रॉपर्टी को तुम नुकसान पहुँचा रहे हो, ये तो बेकार चीज़ है ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। तो जब भी कोई भी आ रहा है यहाँ पे तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि मतलब भाई अपना इंजॉय करो जो करना है करो, मगर किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान मत पहुँचाओ, हल्ला मत काटो, लड़ाई वड़ाई ये सब। तो वही रात का एक्सपीरियंस रहा है शाम का। हम तो आ गए थे रूम पे अपना डिनर करके, तो ये बताना था मेरे को। अभी फिलहाल हमें जाना है ऊपर की साइड, तो अभी हम यहाँ से चेकआउट करते हैं थोड़ी देर में। और भाई बाल कितना बनाया, सिंगार सिंगार कर रहे जी, लट निकाल रहे लट निकाल। तो यार फाइनली चेकआउट कर चुके हैं, और यार सबको गुड मॉर्निंग जो भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं। और फिलहाल हम अपना ब्रेकफास्ट के लिए आ गए। ब्रेकफास्ट क्या, पहले चाय पियेंगे उसके बाद देखते हैं। और अपने कल के मित्रगण वो बैठे हुए साइड में, और उन्होंने पहचान लिया, और अभी हम चाय पी रहे हैं। और साथ में हमने सोचा फैन खाएं या बर्गर, तो मैंने कहा कि बर्गर बन खाते हैं, सॉरी बर्गर नहीं कह रहा हूँ, बन खाते हैं। और भाई अभी कौशिक अपना मोबाइल छोड़ गया था रूम में चेकआउट करते वक्त, ध्यान नहीं रहा इसको, बट फाइनली थैंक गॉड मिल गया। एक्चुअली मैं इसके फ़ोन से ही ब्लॉग बना रहा हूँ अभी, तो अभी मिल चुका है। और अभी हम ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे हम गन पॉइंट पे। चलो तो यार ये पूरी लाइन लगी हुई है यहाँ पे, तो मॉर्निंग में जैसे यहाँ पे पहुँचोगे यहाँ पे ऑलरेडी भीड़ मिल जाएगी। वही है पहले हमने कल पूछा था कि पहले आओ पहले पाओ वाला हिसाब है। तो भाई और अभी हम टाइम पे पहुँच गए हैं, तो ये देखो यार ये है लाइन पूरी। तो यार यहाँ पे हम बैग अपना स्टोर कर रहे हैं अभी, तो ये है जगह जहाँ पे हम बैग रख रहे हैं, क्योंकि ऊपर जाना बैग ले जाना अलाउड नहीं है ऊपर, मतलब एक अपना गैजेट वाला बैग ले जा रहा हूँ। तो यार फाइनली हमने अपने बैग यहाँ पे रख लिए हैं, एक्चुअली अपने साथ ऊपर ले जाना बैग अलाउड नहीं है, तो इसलिए पीछे ही बना हुआ है शोरूम छोटा सा, तो वहाँ पे हमने बैग रख दिया है। और ये बैक साइड से मेरे से देख सकते हो, यार हमें हमारा जल्दी नंबर आ गया, दो मिनट में आ गया था। हाँ जल्दी नंबर आ गया ना, बैठने की तो जगह शायद ही मिले, पिछली बार तो हम खड़े खड़े हाँ देखते हैं, कभी कभी वही खड़े होते हैं। इस बार किस्मत अच्छी है मिल गया, थैंक गॉड। यहाँ से हमें जाना ऊपर पॉइंट है, और ये नीचे देखो कुछ ऐसा यहाँ से व्यू नज़र आ रहा है, शीशा साफ नहीं इनका, बस इतना क्लैरिटी नहीं आ रही। हाँ कई लोग बोल रहे हैं बार भी आए थे तब भी ऐसी था, करता था बार भी ऐसी फोटो उतारो इसे, कौन बोला ये?
तो यार मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे हिमालयस के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, पूरा बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी। बट इधर की साइड मसूरी में बर्फ नहीं पड़ी अभी तक, क्योंकि बर्फ तभी पड़ेगी जब थोड़ा बारिश होगी, और इस साल थोड़ा बारिश मुझे लग नहीं रहा। बोल रहे थे कि 28-29 तारीख तक हो जाएगी, बट हमको जाना है घर, तो अभी घर जाने का टाइम हो गया, ऑलरेडी 5 दिन हो गए। तो जितना मैं नज़ारा दिखा सकता हूँ दिखा रहा हूँ अपने ये कैमरा से, तो अभी होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और बाकी यार यहाँ पे पूरा गन पॉइंट मैंने दिखाई दिया, यहाँ पे वो क्या कहते हैं आपके दुकानें शॉप्स हैं, और गेम्स खेलने के लिए और जो आपको थोड़ा शॉपिंग करनी है वो कर सकते हो, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ एक अलग ही मतलब फील हो रहा है, मतलब इसको ना मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि जितनी भी बार आओ तो वो कम है, मतलब कि आप आओ यहाँ पे एक्सपीरियंस करो चीज़ों का। बट एक चीज़ और है कि थोड़ा यहाँ पे कूड़ा करकट, मैं नीचे देख रहा हूँ कि कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, तो वो गंदा मत करो, आते हो तो यहाँ पे साफ़ सफाई का ध्यान रखो। बाकी जितना साफ रखोगे अपने घर को जैसे साफ रखते हो वैसे ही यहाँ पे भी आओ, घूमो फिरो और साफ रखो। तो यार अभी हमने मंगा लिए छोले भटूरे, और सामने का व्यू देख सकते हो हिमालयस का, और साथ में अपनी चाय, चाय के बिना तो काम ही नहीं चलता, हम पहाड़ियों का तो चाय है तो हमें चाय है, तो चाय तो चाहिए चाहिए भाई। और ये अभी चाय पीते हैं, छोले भटूरे खाते हैं, उसके बाद से चलते हैं, थोड़ा देखते हैं जो भी होगा वीडियो में पता चल ही जाएगा। और आज निकल रहे हैं हम देहरादून की तरफ को। तो यार फाइनली यहाँ से हम निकल रहे हैं, अभी 1:30 बज चुका है ऑलरेडी, और अभी हमें पता ही नहीं चला कि टाइम कितनी जल्दी निकल गया, क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा व्यू आ रहा था कि उसे तो बस देख के ही मज़ा आ रहा था, देखते ही जाओ बस। और एक बार ही और दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे, अभी हवा लग रही है ना बड़ी बड़ी अच्छी वाली, मैंने फाइनली टोपी खोल ही ली है, ऑलरेडी मेरे बाल हो गए स्ट्रेट बिना खर्चे के, देख रहे हवा बहुत तेज आ रही है, नॉइस ज़्यादा आ रहा होगा तो उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। चलते नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ दिखा देता हूँ दोबारा, जैसे ऊपर की तरफ को लाइन लगी हुई थी, नीचे तरफ को भी लाइन लगी हुई है जाने वालों की। बहुत कर लिए पहाड़ों के मज़े, अब फाइनली में हम देहरादून पहुंच चुके हैं। देहरादून में मेरे पीछे देख सकते हो क्लॉक टावर है, और अभी हमें जाना है सर्वे चौक साइड, सर्वे चौक अभी भैया से बात कर रहा है, तो अभी हम चलते हैं यहाँ से, ऑटो पकड़ेंगे, देखते हैं, मैं तो ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ पे, पैदल पैदल चले जाएंगे, पहले भी आ चुका हूँ मैं, तो अभी चलते हैं फिर सर्वे चौक भैया के घर। चल पड़े मैगी पॉइंट को, पैसा दिखाइयो भाई, पैसा दिखाना भाई, कहीं मिल ही नहीं रहे बैंकर पैसे, हमारे पास जाने के लिए टिकट पैसा ही नहीं था कि अभी हम कैश देके जाएं। चलो अब सांस में सांस आ गए हैं। ओहो बटन की मान आ जा अभी, देश भारत देव भूमि उत्तराखंड शहर देहरादून स्थल मौखम पूरे कृष्ण विहार जन्म भूमि जेरिका। फाइनली भैया के घर पहुंच चुके हैं, और अभी थोड़ा बालकनी में बैठे हुए थे और बहुत ज्यादा थक गए हैं, आज मॉर्निंग से भाई मतलब चलने में ही है, सुबह गए थे हम क्या बोलते हो, मैं नाम भूल गया,
उड़न खटोला हिंदी में। क्या दिखा रहा है भाई फोटो? ये हमारी भाभी जी, ये आपकी मम्मी जी है, भाभी बुआ जी है। हाँ बुआ जी। और भैया का बाथरूम जा रहे हैं भैया? हाँ करने जा रहे भैया। टाओ अच्छा भैया, चलो अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो भैया जी आ गए बाहर। गांव वाले को है ना, भैया ने पूरा शेड्यूल चेंज कर दिया। तो यार अभी ऐसे ही मैं लेटा हुआ था, नींद आ रखी थी मेरे को, और इन भाई साहब ने मेरे को उठाया और बोलते हैं कि भाई जो शॉल लिए थे ना वो तो मैं बस में ही भूल गया। तो भाई बताओ क्या बोलना चाहेगा भाई? इसकी गलती है, उसने उस भाई ने इसकी गलती नहीं, उसके पीछे एक बार बैठा था लेटा भाई साहब हमारा। मेरे को बैठा बोल रहा भाई। नहीं हमारा अपने में चलता भाई, बता रुकना बेटा तू अपलोड कोई कमेंट करके नहीं बोलेगा तेरे को मैं कमेंट करके बताता हूं। तो भाई वो उसने बोला भाई सामने बैग पड़े हैं तो वो निकाल ले, और उसके बगल में हमारी शॉल भी थी यार। याद नहीं था किसी यार, ये चीज मेरे को बाद में भी बता दे तो ठीक था। मैं अच्छा खासा तोड़ का था, भयंकर एकदम से कुटाया इसने आधी नींद में से। तो अभी सर में दर्द हो रहा है, तो अब जाना तो है ही, तो रात को निकलेंगे। इतने लेटे हुए हम अपने भूलू के साथ दिखने को मिल रहे थे भाई। ये क्या है वैसा? यहाँ पे पोकेमोन, ये पोकेमोन नहीं है। क्या है फिर? उसे दिखा था। आपको नहीं पता ये क्या है? तू बताना फिर। ये एनिमल्स है। कौन से क्या ये कौन 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 से जंगलों में मिलते हैं? ये क्या कौन ये कौन सा है? ये स्पेस में मिलता है। सच बता, ये पोकेमोन है ना? एलियन है। अगली बार ये ड्राइंग दिखी ना तेरे को छाप दूंगा इसमें। तो यार फाइनली रात के 9 बज गए और अभी हम दोबारा से दिल्ली को रवाना हो चुके हैं, और उत्तराखंड का सफर तब सिर्फ यहीं तक था। और अभी हम देहरादून में थे भाभी जी के घर में, और यहाँ पे हमने डिनर कर लिया है ऑलरेडी। तो अभी आज का वीडियो इतना ही था, पूरा सीरीज ख़त्म हो चुकी है और अभी हम दोबारा दिल्ली को जा रहे हैं। और यार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी नई वीडियो देख रहे हैं अगर थोड़ा सा भी अच्छी लगे वीडियो को कमेंट करके बताना, कुछ भी अच्छा लगे या बेकार लगे वो भी बताना, और डू सपोर्ट डूट राजू।